आपने रजिस्टर करवानी है अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल। ये चेकलिस्ट है, बाइक और गाड़ी के लिए सेम ही होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक डेमो चलान जनरेट हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद। कॉरियर किसी भी वजह से वो नहीं पहुंच सका ओनर के पास, तो उसका क्या हाल है? बाहर एक लाइन लगी हुई थी एजेंट माफिया की, उनके पास आते हैं तो वो अगर 4000 की बाइक रजिस्टर्ड होनी है तो वो 6000 मांग रहे होते हैं, कोई 7000 मांग रहे होते हैं। 2020 की अगर देखें तो एक लंबी स्लॉट है, नंबर प्लेट्स नहीं मिलती। हमें चलान फॉर्म मिल गया तो उसका कार्ड जो है वो कितनी देर में घर पहुँचता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, अपने पैसे बचाएं और एजेंट माफिया से अपनी जान छुड़वाएं। आपने रजिस्टर्ड करवानी है अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल तो ख़ुद एक्साइज के ऑफिस तशरीफ़ लाएं। क्या क्या आपको तफसीलात चाहिए होती हैं अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाने के लिए और कौन सी मालूमात आप अंदर फ्राहम करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने पड़ते हैं, कितनी फ़ीस रिक्वायर्ड होती है, ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में हम बताएँगे। तो आइए हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मैं आपके पास अपनी बाइक या गाड़ी रजिस्टर करवाने के लिए अगर आऊँगा तो मुझे मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए? जी, सबसे पहले आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी के लिए, वो फॉर्म एफ होता है हमारा। ठीक है, जो फॉर्म एफ होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से फिल करना है। ये आपके पास हाथ में ये वही फाइल मौजूद है जो आपने सैंपल के तौर पे निकाली हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये चेकलिस्ट है जिसका अभी बताया था। पहले आपने इसको चेकलिस्ट करना है कि आपके कितने पेपर्स हैं, आपने उसको टिक मार्क करना है जितने आप डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं। उसके बाद ये फॉर्म एफ है, ये होता है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। अच्छा, ये जो है वो पाकिस्तान मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के तहत इसको बनाया गया है। इसको एप्लीकेंट फिल करता है, जो बड़ा आसान है, जिसमें आपका एप्लीकेंट का फुल नेम आता है, फादर नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस, आपके आईडी कार्ड, आपके बाइक की डिटेल है जिसमें चेसिस नंबर, इंजन नंबर और जो उसका कलर है वो, और उसके बाद आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो उसके ये बाइक और गाड़ी के लिए सेम ही होता है? जी, बाइक और गाड़ियों के लिए फॉर्म एफ सेम है, प्रोसेस भी सेम है। अच्छा। सिर्फ डिफर करती है फीसिस। पहला स्टेप क्या होता है? वो यहाँ से टोकन रिसीव करता है, आपको दिखाता हूं। ये आप लाइव देखते हैं कि यहाँ से वो टोकन रिसीव करेगा। ये टोकन मशीन है हमारी, यहाँ से वो अपना, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल है तो वो मोटरसाइकिल का टोकन इशू होगा, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन मोटर कार है तो मोटर कार का, अगर पोस्ट ट्रांजेक्शन है लाइक डुप्लीकेट है या गाड़ी की ट्रांसफर करवानी है आपने तो उसका अलहदा से है। इसी तरह ट्रांसफर डीड का ऑप्शन अलहदा आपको नजर आ रहा है, तो ये सारे चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली ये टोकन स्लिप निकल आएगी और मुतलका विंडो पे लेके एप्लीकेंट जा सकता है जैसे ही उसका टोकन आपका डिस्प्ले होगा। मुतलका सेंटर में जाके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं और आपको क्लाइंट किस तरह, जो वहाँ का ऑफिसर होता है वो किस तरह डील करता है वो देखते हैं लाइव। जी तो नाज़रीन, अब हम मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के काउंटर नंबर 1 पे आ चुके हैं। एक्साइज ऑफिसर से ही सारा प्रोसेस पूछेंगे, ये किस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर जो से हैं वो डाटा एंटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपसे मांगते हैं और फिर उसके बाद कितनी फ़ीस लेते हैं और एंड पे आपको क्या कौन सी स्लिप प्रोवाइड करती हैं जिसे आप ये कह सकते हैं कि हमें नंबर अलॉट हो चुका है। तो सर बताएँ कि मैंने फ़ाइल दे दी है यहाँ पर डेमो जो हमने दी थी, अब ये डाटा एंटर करने के, डाटा एंटर करने के बाद क्या चीज़ मेरे से रिक्वायर करेंगे? जी, सबसे पहले तो ये आपकी फ़ाइल लेंगे, उसमें चेक करेंगे, उसका फॉर्म है आपके पास होना चाहिए फील्ड, और आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और कंपनी के जो इशूड सेल सर्टिफिकेट और सेल इनवाइस है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, ये आपसे फाइल रिसीव करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली एक चलान जनरेट करेंगे। एक डेमो चलान देख लेते हैं जो जनरेट हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये एक डेमो चलान जनरेट हुआ है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद। आप इसमें देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस 1500 आ रही है, इसी तरह 1000 आ रहा है नंबर प्लेट प्राइस, इसी तरह कार्ड फीस है 530 रुपये और लाइफ टाइम टोकन टैक्स है 1500 रुपये। जब इनको टोटल करें तो ये 4530 रुपये बनते हैं, तो ये इसके रसीद के अकॉर्डिंगली ही जो ऑफिशियल है वो पैसे कलेक्ट करता है कस्टमर से। अच्छा सर, ये जो अभी 4530 रुपये चार्ज किए गए हैं ये 70 cc के करंट बाइक रेट के मुताबिक लिए गए हैं? जी जी। अच्छा, मतलब 1 to 5 के कितने होंगे? जी एक्चुअली ये 1% ऑफ इनवाइस प्राइस है, अगर 1 to 5 की प्राइस ज़्यादा है
तो उसका 1% आएगा। इसी तरह 70 की प्राइस कम है तो उसका 1% कम बनेगा, तो वो डिफर परसेंट वाइज इसी तरह डिफरेंस आ जाएगा। बाकी ये हमने देख लिया बाइक का रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस। इनसे ये भी पूछ लेते हैं, अब ये चलान फॉर्म मुझे मिल जाएगा और मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस मिल जाएंगे? जी डेफिनेटली, जब एक दफ़ा आप यहाँ जमा करवा जाते हैं उसके बाद आपकी नंबर प्लेट्स और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और फाइल आपके घर डिलीवर कर दी जाती है वाया जीपीओ कोरियर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोरियर किसी भी वजह से वो नहीं पहुँच सका ऑनर के पास तो उसका क्या हाल है? जी डेफिनेटली, वो हमारा डिलीवरी सेक्शन है, वो रिफंड कर दी जाती है, हमारे पास वापस आ जाती है सारी डाक। वो बंदा फिर खुद उसे आना पड़ता है ऑफिस आके, वो यहाँ से रिसीव करके चला जाएगा। अच्छा, उसकी रिसीविंग के लिए उसको यही चलान फॉर्म दिखाना पड़ेगा? जी डेफिनेटली, ये रसीद है वो ये लेके आएगा ताकि पता चल सके ये वाकई उसी के पेपर्स हैं। आपने आईडी कार्ड दिखाएगा, ये रसीद दिखाएगा तो हम उसको वो डिलीवर करेंगे। उसके बाद उसका ऑफिशियल उसको वो कार्ड जो है बाइक की रजिस्ट्रेशन का या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का वो मिल जाएगा? जी बिल्कुल, उसको वो कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हमने आपको बाइक की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिखाया, अब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लानी पड़ती हैं और किस तरह का प्रोसेस होता है, तो आइए साथ चलते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम कार रजिस्ट्रेशन वाले डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, यहाँ पर कार रजिस्ट्रेशन की जा रही हैं और डेमो चलान अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो हमें दिखा दें। ये सर स्पेसिमेन के तौर पे जो है ना नॉन फाइलर एक गाड़ी है। अच्छा। अंडर 1000 cc, ये इसका चलान है, ये 56,000 समथिंग का जो ना ये नॉन फाइलर का है। अच्छा। अगर ये फाइलर होता तो इसका 10,000 कंसेशन होनी थी, ये 46,800 समथिंग होना था इसका चलान का। अच्छा, मतलब फाइलर होने के इतने फायदे हैं कि अगर आप फाइलर हैं तो 10,000 बच जाते हैं। हां, अंडर 1000 cc 10,000 रुपए का जो ना डिफरेंस होता है। 1000 cc जो बड़ी गाड़ियां होती है ना उनका फिर ज्यादा डिफरेंस होता है फाइलर और नॉन फाइलर का चलान। अच्छा सर, ये तो होगी न्यू रजिस्ट्रेशन की सारी बातें। अब मुझे ये बताएं कि जब हम ऑफिस इधर एंटर भी हो रहे थे, एक बाहर एक लाइन लगी हुई थी एजेंट माफिया की, तो आप जब उनके पास आते हैं तो वो अगर 4,000 की बाइक रजिस्टर्ड होनी है तो वो 6,000 मांग रहे होते हैं, कोई 7,000 मांग रहे होते हैं, तो इन सब का आपने क्या हल ढूंढा हुआ है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इसको ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रही है। आपका बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड होगा और आप घर बैठे ही अपनी गाड़ी बगैर किसी हैसल के ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। ई पे पंजाब का ये लोगो है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से और उसके बाद अपना जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है वो देंगे, उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आप जब एंटर करेंगे यहाँ पे तो इसका आपसे पासवर्ड पूछेगा। इसकी ये है कि आप फिंगरप्रिंट के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं इसको, फिंगरप्रिंट के थ्रू। अब जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस मतलब डिफरेंट महकमों की एप्स हैं। आप एक्साइज एंड टैक्सेशन में आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स बनी हैं जिसमें आप टोकन टैक्स भी दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी। अभी ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप जो बायोमेट्रिक होगी अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1 जनवरी के बाद जो है इस सर्विस को एक्टिव कर दिया जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो भी फीस वगैरह होगी वो कैलकुलेट कर सकेंगे जितनी भी बनेगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो PSID होगी वो भी यहीं पे जनरेट होगी। अभी के लिए जो एक्टिव है वो टोकन टैक्स है, यहाँ पे आप गाड़ी का नंबर डालेंगे और उसकी नीचे असेसमेंट आ जाएगी, जैसे LED -19-, अब ये गाड़ी है इसका मैंने नंबर डाला है, इसका क्योंकि टोकन पेड है लिहाजा ये स्टेटस शो कर रहा है कि ये 22 तक पेड है। जिसका नहीं पेड होगा तो इसकी असेसमेंट आ जाएगी, ऑनर के पर्टिकुलर्स भी आ जाएंगे, गाड़ी भी आ जाएगी, उसकी मेकर कौन सा है और उसका टोकन स्टेटस भी आ गया। 2020 की अगर देखें तो एक लंबी स्लॉट है जिनकी बाइक्स पे या गाड़ियों पे नंबर इश्यूज़ नहीं किए गए, मतलब नंबर मिल जाता उनको, नंबर प्लेट्स नहीं मिलती, तो उसकी क्या वजूहत है? जी वो हमारे चूँकि ये जो सबका जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। अभी हमने इसको शफल कर लिया NRTC पे, वो जो कि गवर्नमेंट के अंडर ही वो वर्किंग कर रहा है इदारा, तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी तक जितनी प्लेट्स हैं करंटली वो भी सारी डिलीवर कर दी गई हैं और जितना बैकलॉग है उसको भी तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। मतलब अब आपने जो भी न्यू बाइक या गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उसके डॉक्यूमेंट्स में हमें चलान फॉर्म मिल गया तो उसका कार्ड जो है वो कितनी देर में घर पहुँचता है? जी कार्ड को 7 से 10 दिन लग जाते हैं। अच्छा। तकरीबन उसको कार्ड डिलीवर होने में ऑलमोस्ट हम अभी 10 दिन जो है वो कंसीडर करें कि 10 दिनों में आपको आपका कार्ड भी मिल जाएगा, फाइल भी मिल जाएगी और नंबर प्लेट्स भी मिल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले
बाइक या गाड़ी का नंबर जो होता था वो सिटी के हिसाब से लगता था, मतलब अगर लाहौर की कोई गाड़ी या बाइक है तो उसका LEO LRM इस तरह होता था। अब जबकि हम देखें तो उन्होंने पंजाब सेक्टर का चेंज कर दिया, टोटल AA G आ गया है, ABG आ गया, इस तरह का नंबर चल रहा है, तो इसकी क्या वजह? उसकी रीज़न ये है कि छोटे इलाकों में जो रजिस्ट्रेशन थी वो बहुत कम हो रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ के लाहौर से लोग प्रेफर करते थे कि गाड़ी रजिस्टर्ड कराई जाए। एक बंदा जो मियाँ वाली या राजनपुर बैठा हो उसे लाहौर आना पड़ता था। यहाँ अभी ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूनिवर्सल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया है और इसके तहत आप पंजाब के किसी भी कोने से बैठ के जो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नंबर यूनिवर्सल होगा, सेम मिलेगा आपको, कोई फ़र्क नहीं होगा। सर इससे एक ये भी तो बैकलॉग आया कि पहले जो गाड़ी होती थी अगर वो लाहौर में रजिस्टर्ड है तो उसकी मालियत जो होती थी वो और होती थी, जैसे वो छोटे शहरों में जाती थी तो उसकी मालियत कम हो जाती थी। जी ये क्लाइंट्स के साथ जो यूज़र थे, व्हीकल्स ऑनर थे, उनके साथ बड़ी ज्यादती थी ये सारा, इससे इसकी हौसला शिकनी हुई है। अब कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी ज़िले से बिलोंग करता है उसकी प्राइस भी सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। सजील खान साहब एक्साइज ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है बाइक की, गाड़ी की या किसी और व्हीकल की, तो आप किस तरह करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने की ज़रूरत है। इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर मोटर्स कमरुल हसन सजाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो ऑनलाइन इन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है उसमें वो मज़ीद आगे मुस्तकबिल में कौन कौन सी तब्दीलियां लेने जा रहे हैं और अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र के दौरान अगर कोई एरर आते हैं तो किस तरह रिजॉल्व किए जाएंगे। ये जो यकम से हम बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन इन्फोर्स करने जा रहे हैं ये कुल्ली तौर पर हमारी एक पेपरलेस ट्रांजेक्शन है, इसमें आपको किसी किस्म का डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेलर या परचेजर के पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है सेलर की जो रिकॉर्डेड ओनर है, परचेजर की इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट करनी है हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए कि फलां साहब जो है उन्होंने ये व्हीकल परचेज कर लिया है, उनका नाम, पता, बल्दियत, एड्रेस, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, ये सेलर करेगा। ठीक है, जब ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो उसके बाद इसकी एक असेसमेंट चालान जनरेट होगा कि इसकी अमाउंट कितनी ड्यू है, अगर आप एग्री करते हैं तो वो आप अमाउंट पे करेंगे, जैसे ही वो अमाउंट पे करेंगे तो इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक पेंडिंग हो जाएगी दोनों की, सेलर की भी और परचेजर की भी। दोनों की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग होने के बाद आप दोनों अपने अपने मुख्तलिफ औकाते कार में मुख्तलिफ स्टेशन पे वेरिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे ही दोनों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आ जाएगी, आपको किसी किस्म की रसीद नहीं चाहिए हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए, तो आपके जो प्रोसेस है मुकम्मल करने के बाद जो उसका स्मार्ट कार्ड और प्लेट है वो नए ओनर यानी कि परचेजर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दी जाएगी। तो जी नाज़रीन ये थी सारी डिटेल कि किस तरह अब आप घर बैठे अपनी गाड़ी या बाइक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, तो अब आपको एजेंट माफिया के हाथों जो उनसे वो लूटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत है, बल्कि आप घर बैठे अपनी गाड़ी या बाइक रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।